अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइज़ आज एक न्यू व्लॉग के साथ एक बार फिर, और आज का व्लॉग जो है ना बड़ा ही स्पेशल है। मेरी बेटी का जो है बर्थडे व्लॉग है, लेकिन वो छोटा सा बना था। फिर मैंने कहा ये 2 मिनट का व्लॉग मैं क्या बनाऊँगी, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा वेट करते हैं। जो क्लिप्स थे पहले पड़े हुए थे, मैंने कहा आज थोड़ा फ्रेश थोड़े से क्लिप्स ऐड करती हूँ। और आज जो है मौसम थोड़ा कदरे बेहतर था, और जो है ना मैं जो कुछ चीज़ें लेने गई थी पहले फर्स्ट स्टोर पे गई, वहाँ पर जो शॉपिंग करनी थी कर ली। और बड़ा मतलब बड़े बुरे हालात हो गए हैं अमेरिका में भी कि आटा आना ख़त्म हो गया है जी। इंडिया वालों ने जो है ना कुछ टाइम के लिए, आई डोंट नो अभी कब तक है, पीछे से शॉर्टेज कर दी है, आटा नहीं मिल रहा। और जब आटा इस तरह की सूरत हाल होती है ना, तो फिर तमाम जो देसी स्टोर्स होते हैं ना, वो तो या स्टॉक अप कर लेते हैं या फिर वो जो है ना चीज़ें महंगी करना बेचना यानी शुरू कर देते हैं। तो यही वो आटा था जो मेरे हाथ से मुझे याद है $15 से थोड़ा सा ऊपर होगा, अब वो $25 का हो गया है। 20 किलो का थोड़ा 25 डॉलर का हो गया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार अब ये क्या होगा। तो पहले तो पता किया था जहाँ से मैं ग्रोसरी करती हूँ वहाँ पर जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। उसके बाद फिर जहाँ मैं गई हूँ वहाँ मैं अक्सर जाती नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे पत्ती लेने के लिए गई, लेकिन फिर मैंने दिमाग में सोचा ही नहीं कि यार अब इस वाले स्टोर पे आ रही हूँ जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर तकरीबन रीज़नेबल प्राइस से चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर भी जो आटा है ना उसकी प्राइस भी सेम थी। पर मेन मकसद था कि यार आटा मिल जाए, ये ना हो कि आटा बस मुक जाए तो फिर मुश्किल हो जाए। थोड़ा बहुत आटा था घर में जो मतलब एक दफ़ा का मतलब हो सकता था, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मुझे लाना पड़ता। तो खैर मैं स्टोर पे आ गई और जल्दी आज कोई 11:30 बजे मैं आई थिंक 10:30 तक निकली थी घर से। फिर मैंने बीच में प्लान बना और फिर मैं स्टोर में आ गई। तो इधर आते आते जो है ना मुझे थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया, घर से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है ना अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं यहाँ पर इस सेक्शन में आई थी एक्चुअली, ये जो स्टेनर है ना चाय के लिए ये भी देख रही थी, ये नया लिया। और फिर मुझे ना तवा देख रही थी मैं कि यार मतलब कोई कहीं से मुझे अच्छा कुछ मिल जाए। और जो मेरे पास है ना वो ठीक चाक चलता है, लेकिन वो बहुत उसके किनारे थोड़े से मोटे हैं, मतलब अंदर की तरफ राउंड है, तो फिर वो जो रोटी है ना वो मुझसे ठीक नहीं बनती। मैं कोई रोटी की कोई अच्छी मास्टर भी नहीं हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट। अब जाकर मुझे कोई रोटी बनाने आई है। अच्छा काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, बेलन वगैरह भी लगे थे, तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है बेलन, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं चाह रही थी कि चेंज हो जाए, और थैंक गॉड के यहाँ पर हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं आ सकती हूँ। अच्छा लेने आप एक दो चीज़ें जाते हैं, आते वक्त आपका अच्छा खासा बिल बन जाता है। तो ये सेक्शन था जी जस्ट इंडियन शैम्पू कंडीशनर ये वो इन टाइप का था, और सनसिल्क भी था यहाँ पर। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ शायद मैंने, लेकिन शैम्पू भी बहुत महंगा लगा था, $8-9 का भी शैम्पू था, मतलब अजीब बात ही। खैर शायद मैंने वो ब्लॉग मतलब वो क्लिप नहीं ले सकी, क्योंकि मतलब बहुत मुश्किल होता है मुझे लगता है ब्लॉगिंग करना बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जी ये बर्थडे का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गाइस। तो मेरी बेटी का बर्थडे था, माशाल्लाह शी इज़ नाउ 3 years old, और देखिए 3 साल हो गए हैं। और मतलब अल्लाह ताला उसको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत कामयाब करे। और बहुत ज़्यादा मेरे जो है ना मतलब बच्चों को लेकर ना मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, अल्लाह ताला जो है सबके बच्चों को नेक करे, सबसे बड़ी बात है, और उनको कामयाब करे, और उनको माँ बाप के लिए जो है ना उनके हक में जो है ना सबसे बड़ी बात है बेहतर करे, अच्छा करे, और मेरी ये दुआ है। तो मेरे बड़े जो है ना आज एक्साइटेड थी, लेकिन कोई ख़ास इतना बड़ा सेलिब्रेशन नहीं किया, जो सिंपल सा था। और मैं उसके जो है ना कपड़े वगैरह लेने गई थी, मतलब मेरी तरफ से गिफ्ट था कि मैं उसकी शॉपिंग करूँ, क्योंकि विंटर्स भी आ गए हैं, और इनके जो बाबा हैं ना वो इनके सारा जो एक्स्ट्रा जो जो ये फरमाइशकारी थी ना, इन्होंने पूरी एक लिस्ट जो अपने बाबा को बताई, छोटी मोटी चीज़ें थी गाइज़, मैं अब आपको बताऊँगी आप भी हंस पड़ेंगे यार। तो खैर केक शेक का सारा जो इंतज़ाम है ना वो उनके बाबा ने करना है। तो मैं बस आई थी और टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं ये काम भी जो है ना मकाऊँ। और एक्सक्यूज़ करें मेरी गाड़ी को, मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, मैंने मतलब पिछले कभी 1 महीना हो गया मैंने गाड़ी साफ़ नहीं की,
बस जिस तरीके से मेरा दिल ही नहीं करता मैं नीचे जाऊँ गाड़ी साफ़ करूँ, कि इतनी ठंड होती है और इतनी ठंड में मेरा मतलब मुश्किल से बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना, उनको सिपारे के लिए छोड़ना लेना, मतलब इन्हीं 4-5 चक्करों में जो है ना, या फिर घर का कोई काम जैसे आज मैं गई तो उसमें बस हो जाती है, मेरा दिल ही नहीं करता मैं नीचे जा करना ज़रा कुछ सेटिंग वेटिंग जो ना कर लूँ। अच्छा इस साल की जो बर्थडे ना वो ज़्यादा स्पेशल इसलिए कि उसको प्रॉपर खुद समझ आ रही है कि ना बर्थडे क्या होती है या उस पर गिफ्ट्स मिलते हैं ये वो, लेकिन जो पहले 2 साल थे ना उसमें कोई इतनी ख़ास उसको समझ नहीं थी। खैर माशाल्लाह वो बड़ी भी होती जा रही है, तो खैर बस आज की थी ये छोटी सी सेलिब्रेशन जो मुझे करनी थी और घर में हमने की अपनी फैमिली के साथ, और इंशाल्लाह अगर मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर वहाँ पर भी जो हूँ फैमिली के साथ भी जो है ना हम सेलिब्रेशन जो है करते रहते हैं, ये नहीं कि इनकी बर्थडे वगैरह हो या ना हो, मैं वैसे भी जो हूँ कोई ना कोई फंक्शन अरेंज करती रहती हूँ वहाँ पर और कि सब जो है इकट्ठे हो जाए। तो नेक्स्ट बर्थडे जो है वो मेरे बेटे की होगी और कोशिश होगी कि वो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जाकर मैं सेलिब्रेट करूँ। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।